हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रीम क्लासेस। जो फाइल स्ट्रीम क्लासेस हैं वो क्या क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीम के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम होता क्या है। एक्चुअली स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ डेटा को। ये अगर कोई डेटा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। तो यहां पर फाइल स्ट्रीम का मतलब हो गया कि अगर फाइल पे डेटा जा रहा है या फिर किसी फाइल से डेटा आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द फाइल स्ट्रीम। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्लासेस है जिसके बारे में हम लोग इस जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईओ स्ट्रीम के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम आईओ स्ट्रीम जो है क्लासेस यूज कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम में, जहां पर कि आप आईओ स्ट्रीम डॉट एच को आप इंक्लूड करते हो और फिर उससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्ट्स को आप यूज करते हो। जैसे यहां पर हम देखें कि क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम में इनपुट लेते हो तो आप किसके थ्रू लेते हो, कीबोर्ड के थ्रू। और यहां पर आप इनपुट लेने के लिए लिखते हो सी इन डबल ग्रेटर देन। इसका मतलब सी इन कहां पर डिफाइन है, आई स्ट्रीम में। जो इनपुट स्ट्रीम है वहां पर सीन डिफाइंड है और सीन क्या करता है, इनपुट लेता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। तो सीन क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा का फ्लो करता है किसके तरफ, प्रोग्राम की तरफ। मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं वो कहां जाता है, प्रोग्राम में जाता है। उसी तरह जब प्रोग्राम से हम किसी आउटपुट को शो करते हैं तो हम किसके थ्रू शो करते हैं, सी आउट के थ्रू। तो सी आउट जो है वो कहां पर डिफाइंड है, ओ स्ट्रीम में डिफाइंड है। तो आपके आई स्ट्रीम एक अलग क्लास है इनपुट के लिए, ओ स्ट्रीम एक अलग क्लास है आउटपुट के लिए। तो सीन जो है आई स्ट्रीम में डिफाइंड है और ओ सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम में डिफाइंड है। तो हम सी आउट के थ्रू क्या करते हैं, जो भी डेटा है या जो भी वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन है उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उस पर अगर हमें किसी चीज को शो करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं सी आउट। और चूंकि हम सीन और सी आउट लगभग हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, आईओ स्ट्रीम को हम इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। तो इस तरह से यहां पर काम करता है। उसी तरह जब आप फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एफ स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पर एफ स्ट्रीम जो है क्लास होता है जो कि आपके फाइल से इनपुट और फाइल से आउटपुट दोनों के लिए ही यूज होता है। अब क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं जब प्रोग्राम से आपका डेटा फाइल की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप फाइल पे राइट कर रहे हो, और अगर आपके फाइल से कोई डेटा आपके प्रोग्राम में आ रहा है तो इसका मतलब आप फाइल से रीड कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कुछ टाइप किया कि आपने कीबोर्ड से टाइप किया, कीबोर्ड के थ्रू वो प्रोग्राम में आया और प्रोग्राम के थ्रू आपके वो फाइल में जाके वो स्टोर हो गया, ठीक है। अगर फिर से आप फाइल से कुछ देना चाहते हो, कुछ आप रीड करना चाहते हो तो फाइल से ये रीड करेगा, फिर वो प्रोग्राम में आएगा और फिर प्रोग्राम के थ्रू अगर आप उसको स्क्रीन में दिखाना चाहते हो तो स्क्रीन पे चला जाएगा। तो जब आप राइट करोगे फाइल में तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ओएफ स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। जब आप राइट करोगे तो आप जो है ऑब्जेक्ट बनाओगे ओएफ स्ट्रीम क्लास का, और जब हम आप इनपुट लेंगे मतलब जब हम रीड करेंगे फाइल से तब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे आईएफ स्ट्रीम का, ठीक है। तो और अगर आप एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर आप रीड और राइट दोनों काम कर सकते हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो केवल आप फाइल पे राइट कर सकते हो, अगर आप आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो केवल आप फाइल को रीड कर सकते हो। पर सपोज दैट आपको अपने प्रोग्राम में राइट भी करना है फाइल में और रीड भी करना है तो उस केस में आपको एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है फाइल स्ट्रीम काम करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे कि किस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखेंगे। ये सारा चीज जो मैं आपको बता रहा था सी प्लस प्लस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि मैं सी प्लस प्लस पे कंटिन्यूअस जो है वीडियोस आपको बना रहा हूं और आगे भी कम से कम 7-8 वीडियो और बनेंगे जिससे कि आपको सी प्लस प्लस का पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। आपको कहीं से किसी भी तरीके से अलग जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मेरे चैनल में बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल लास्ट तक के जो है सी प्लस प्लस कवर किए जा रहे हैं। और बिल्कुल हम लास्ट स्टेज में है, अब कुछ एक टॉपिक ही बचे हैं फाइल हैंडलिंग है और उसके बाद हम टेम्पलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको फाइल हैंडलिंग का पूरा प्रॉपर
प्रोग्राम करके दिखाएंगे और बल्कि उसके बाद और भी कुछ प्रोग्राम हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।